सामान कहाँ रखा है? दा दा किसे दा दा मम्मी हम लोग जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। ये देखिए थाल ले लिए हैं। तो गाइस आज होने वाला है बाबू का मुंडन, तो हम लोग शीतला माता मंदिर आए हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं विंध्याचल। और अभी हम लोग शीतला माता मंदिर पहुँच चुके थे, अब यहाँ से सीधे मंदिर में जा रहे थे हम लोग। तो रिकॉर्डिंग किए हुए हैं पूरा, बट अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, जितना कर पाए हैं उतना किए हैं, क्योंकि पास में बेबी भी था ना, तो उससे रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और पूजा मंदिर में बनने लगा है ना, तो फिर हम लोग तब मंदिर में गया, दर्शन वर्शन किए। रिकॉर्डिंग बाहर से किए हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर से जो जितना हम लोग कर पाए हैं उतनी पूरी रिकॉर्डिंग किए हैं। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मेरे शेयर करिएगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। सीधे जाएंगे बाबू के मुंडन के लिए। तो मुंडन के लिए देखिए हम यहाँ आए हैं अंदर तरफ है, और ये बाहर का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ना, एकदम बहुत ही अच्छा सा सुकून सा लग रहा है, कितनी शांति दिख रही है यहाँ पे। और हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं यहाँ पे, चौकिया में तो थोड़ा कम, लेकिन विंध्याचल में हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती उसमें, वहाँ पर नदी में हम लोग नहाते वहाते भी हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो अभी यहाँ पर बाबू का मुंडन थोड़ा सा ही हम लोग कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा केवल चूड़ा लगवाना था, और इसका पूरा कंप्लीट मुंडन इसका विंध्याचल में होता है। तो यहाँ पे देखिए मुंडन स्टार्ट हो गया है, बस हल्का सा होता है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे ना वो जो गाना वाना गाती भी हैं, जो मुंडन करने वाले आते हैं, तो देखिए यहाँ भी आते हैं, फिर यहाँ पे गाना गाने के लिए भी आते हैं, तो वो लोग भी सोहर वोहर गाती हैं यहाँ, तो वो सब भी हो रहा था। और बाबू मेरा ना डर रहा था, तो वो रो रहा था काफ़ी, और मेरे पास ही पता नहीं किसी के पास जा ही नहीं रहा था, मेरे पास तो रह रहा था, तो बहुत डर रहा था उसको। यहाँ पे इसका मुंडन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हो गया इसका मुंडन, अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं विंध्याचल के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से गाड़ी में जाने वाले हैं विंध्याचल अपने मुंडन कराने के लिए। अभी जस्ट पहुँचे हैं, आगे पूरी वीडियो दिखाएंगे, पूरा शूट करेंगे। सामान कहाँ रखा है? तो यहाँ से हम लोग विंध्याचल देखिए आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग एक जगह पे रुकते हैं। तो
तो वहीं पे एक्चुअली हम लोग को हलवा पूड़ी सब चढ़ाना था, खाना बनाना था, तो हम लोग एक जगह पर रुकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लोग मिलते हैं ना, तो उनको हम लोग ले लेते हैं, तो वो हम लोग को सब कुछ बताते रहते हैं कहाँ कैसे करना है, तो उन्हीं के साथ हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग बाबू का मुंडन कराएंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे नदी में नहाने। नदी में हम लोग एकदम इस पार है ना, उस पार जो आपको दिख रहा है उधर जाते हैं नहाने के लिए, बोट से जाते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रसाद बनाने के लिए, प्रसाद वगैरह बना के फिर जाते हैं लास्ट में दर्शन करने। और यहाँ पे ना 12 बजे तक मंदिर बंद हो जाती है, तो हम लोग को पहुँचते मतलब 7:10 बज गया था। तो फिर हम लोगों ने आइडिया लगा लिया था कि हम लोग को 12 के बाद ही दर्शन करना है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सुकून, बहुत टाइम तक, लंबा टाइम लेके 12 बजे तक हम लोग यहाँ मस्ती करते हैं 12। और दोबारा से जो मंदिर का गेट है वो 1 बजे खुलता है, तो दोबारा जब 1 बजे गेट खुल जाता है तब हम लोग दोबारा दर्शन करने जाते हैं। उसके पहले तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मुंडन होता है, फिर यहाँ मस्ती बहुत होता है, तो वो सब करने में जुट जाते हैं। बाबू का मुंडन स्टार्ट हो जाता है और बाबू बहुत ज़्यादा मेरा रो रहा था। यहाँ पे मौसी जो है बाल हाथ में ले रही थी, बाल जैसे यहाँ रस्म होता है ना कि बुआ बाल हाथ में लेती हैं, पर वहाँ बुआ इसके बाबू की मेरी ननद की भी डिलीवरी हुई थी। तो बाबू जो एज मेरा बाबू है इसी एज का उनका भी बेबी है, 2 बेबी हैं उनके, तो उनको आने में दिक्कत हो जाता काफ़ी, इसीलिए वो नहीं आई थी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर कर रही थी रस्म को। बाबू देखिए कितना चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं इसको लग ना जाए, बहुत संभाल के पकड़ना था, बहुत तो ज़्यादा रोने लगा था ये। लगाई जा चुका है।
तो यहाँ पे बाबू का मुंडन फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाता है। और मम्मी मेरी देखिए इन लोग को सोहर जुगाते हैं, सहनाई ढोल ये सब बजाते हैं ना, इन लोग को बुलवाती हैं ये सब करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, ये लोग गा भी रहे थे और उसी में मुंडन हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा सा एक आ रहा था। तो यहाँ पे बाबू का मुंडन फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ से बाबू को लेके नदी के उस साइड जाएंगे। इस साइड बहुत भीड़ था तो उतना हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाते थे, इसीलिए बोट से हम लोग उस साइड जाते हैं और उस साइड बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, बहुत हम लोग खेलते भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं। बाबू भी बहुत अच्छे से वहाँ पे इंजॉय कर लिया था। तो चलिए आप लोग आगे की वीडियो देख लीजिए। पर ये इतना रोता है ना, इतना रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा रो रहा है ये। तो अभी मैं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं विंध्याचल दर्शन के लिए देवी माता के। यहाँ पे हम लोगों ने हलवा पूड़ी और प्रसाद वगैरह लिया था और यहाँ पे देखिए अब जायद बाबू सो गया है यहाँ पे। तो लेकिन अंदर मंदिर की ना वहाँ पे ये जग जाता है अंदर जाने के बाद, और पर पूरा यहाँ से सो गया था अंदर। वो घंटे घंटे जब जोर से बजने लगी तो वहाँ पे वो अपने आप ही जग गया। उसमें भी हम लोग को इतना लंबा वेट करना पड़ा था कि क्या बताएं, बेबी था ना इसलिए हम लोग लंबी लाइन में लगना नहीं चाहते थे। पर दूसरी अलग से लाइन चल रही थी उसमें भी बहुत भीड़ था। तो उसके बाद हम लोग के दर्शन हो जाता है तो फिर हम लोग जब वापस आते हैं तो थोड़ा घूमते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा सामान, क्रॉकरी से लेकर सब कुछ, बर्तन, बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। आप बैंगल्स वगैरह तो काफ़ी सुंदर सुंदर मिल रहे थे। तो हम लोग ने बहुत इंजॉय किया और दर्शन भी अच्छे से हम लोग का हो गया। बाकी वीडियो यहीं तक का था गाइस। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आएगा, आप लोग भी वीडियो में इंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।